सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी तक हम कर चुके हैं क्या क्या, मोशन चैप्टर। मोशन चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हम कंप्लीट कर चुके हैं, व्हाट इज मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, ये सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ तक। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा क्या, कॉन्सेप्चुअली एक्सेलरेशन। इसके बाद हमारे पास बचेगा टाइप्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज ग्राफ्स, जो भी हमने पढ़ा इनको टाइम के रेस्पेक्ट में ड्रॉ करना। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्या एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन सिंबल इज स्मॉल ए एंड एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी और सिंपली चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। द चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम is called acceleration and it is represented by small a, and acceleration is a vector quantity. It means why? Because it is involving which physical quantity? Velocity. And velocity, I already made clear that velocity should be a vector quantity. So how to write the in terms of mathematical relations? So change ke liye word use karte hain delta. Kahin pe bhi ye triangle shape aa jaye, इसको क्या रीड करना है? डेल्टा। और डेल्टा का मतलब माइंड में क्या रीड करना है? चेंज। यानी कि कहीं पे भी वर्डिंग में लिखा हुआ है चेंज इन, तो उसको मैथमेटिकल सिंबल क्या दोगे? डेल्टा। सो डेल्टा, और उसके बाद जो भी फिजिकल क्वांटिटी लिखी होती है उसको सिंबल फॉर्म में लिख दो, सो डेल्टा वी। सो डेल्टा वी कहीं पे भी लिखा उसको रीड क्या करना है? चेंज इन वेलोसिटी। और कहीं लिखा हो चेंज इन वेलोसिटी तो मैथमेटिकली कैसे लिखना है? डेल्टा वी विद रेस्पेक्ट टू, कभी भी विद रेस्पेक्ट टू आ जाए तो अपॉन कर दो। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? टाइम के रेस्पेक्ट में, तो अपॉन टाइम। तो टाइम इंटरवल लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहेगा, चेंज इन टाइम। टाइम इंटरवल का मतलब ही चेंज इन टाइम, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। सो दैट्स हाउ वी डिफाइन द एक्सेलरेशन, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और अब क्योंकि आपके बहुत हाई लेवल पे तो है नहीं, तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो आप ऐसे लिखेंगे, डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। ठीक, सो दिस इज स्केलर फॉर्म, दिस इज वेक्टर फॉर्म। स्केलर मतलब मैग्नीट्यूड फॉर्म, जिसके अंदर हम डायरेक्शंस की ज्यादा दिक्कत नहीं रखते। इसके एसआई यूनिट पूछे तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? सो एसआई यूनिट देखिए, यूनिट कैसे निकालते हैं, जो भी आपको फॉर्मूला दे रखा हो उसके, जो भी आप जिस भी फिजिकल क्वांटिटी की आप क्या निकालना चाहो, यूनिट निकालना चाहो, पहले उसका फॉर्मूला लिखो, उस फॉर्मूले में आने वाली फिजिकल क्वांटिटीज देखो क्या क्या है, और उन फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट क्या होती है वो सब्स्टिट्यूट करते जाओ उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में फॉर्मूला फॉर्म हुआ है। तो हमारे फॉर्मूले में डेल्टा वी की यूनिट क्या होगी? तो डेल्टा वी है तो टाइप ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी यूनिट मीटर पर सेकेंड, टाइम यूनिट सेकेंड, और ये कैसे है रिलेटेड? अपॉन सेकेंड। तो मीटर अपॉन सेकेंड, तो सेकेंड कहाँ चला जाएगा? नीचे, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी यूनिट। अदर यूनिट, अनदर यूनिट, सीजीएस यूनिट अगर मैं पूछूं, मैंने आपको पढ़ा रखा है सीजीएस सिस्टम क्या होता है। अदर यूनिट सीजीएस, सीजीएस बोले तो जब आप लेंथ को मेजर करो सेंटीमीटर में, मास को मेजर करो ग्राम में, और टाइम को सेकंड में। तो अगर यहाँ पे देखें मीटर को सेंटीमीटर और टाइम को सेकंड लिखे तो अनदर यूनिट क्या बन जाएगी? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दैट्स हाउ वी मेजर द व्हाट, एक्सेलरेशन, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? नाउ लेट्स डिस्कस कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी इनिशियली किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से चल रहा हो, मूव कर रहा हो, और आफ्टरवर्ड्स इसकी वेलोसिटी कुछ और हो जाए। तो लेट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद सम इनिशियल वेलोसिटी यू, हमने इनिशियल वेलोसिटी क्या बोल दी? यू। एंड आफ्टर टाइम इंटरवल टी, आफ्टर टाइम इंटरवल स्मॉल टी, यानी कि डेल्टा टी की वैल्यू क्या लेनी है? टी, इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू स्मॉल वी, देन एक्सेलरेशन विल बी गिवन बाय, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी गिवन बाय, कैसे लिखेंगे इसको? हमें पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियली ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, लेट्स सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट,
इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज यू, ये किस स्पीड से मूव कर रहा था, यानी कि वी वन बोलती गई है यू। अच्छा, डेल्टा वी को आप कैसे लिख सकते हो, ये यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन वहां पे नहीं आएगा। डेल्टा वी का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, तो हमेशा आप लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, या वी टू माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। फाइनल वेलोसिटी वी एफ माइनस इनिशियल वेलोसिटी वी आई अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो इनिशियल वेलोसिटी वी वन हो और फाइनल वी टू हो तो वी टू माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, और एफ का मतलब फाइनल, आई का मतलब इनिशियल। तो यहाँ पे इनिशियल या वी वन कितना बोल दिया गया, यू, और फाइनली इसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, वी, यानी कि वी टू हो गया है वी। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना निकलेगा, वी टू माइनस वी वन बोले तो फाइनल माइनस इनिशियल वी माइनस यू, और यहां से यहां तक जाने में टोटल टाइम इंटरवल कितना लगा, टी, तो अपॉन टी। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया एक्सेलरेशन का, वी माइनस यू अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी। अब आपको ध्यान रखना है, आगे हम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं, तो दीज आर द स्टैंडर्ड सिंबल्स। स्टैंडर्ड सिंबल्स बोले तो हमेशा कभी भी आपको न्यूमेरिकल्स में वर्डिंग में कहीं पे भी आया कि व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, तो आपको यू को हमेशा ही इनिशियल वेलोसिटी लेना है, इनिशियल वेलोसिटी। वी हमेशा फाइनल वेलोसिटी ही लेनी है, फाइनल वेलोसिटी, और टी या डेल्टा टी आपका टाइम इंटरवल। तो बाय डिफॉल्ट टी ले लोगे, अदरवाइज कुछ और टाइम 10 सेकेंड टू 18 सेकेंड बोलेंगे तो फिर उसका गैप निकाल करके आप सब्स्टिट्यूट करोगे। तो ये हो गया हमारा टाइम इंटरवल। सो दैट्स हाउ वी कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। ठीक है, इसमें जैसे मान लीजिए आपके बुक का ही, मैं एनसीईआरटी की बुक का ही एक न्यूमेरिकल करवा देता हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजिशन, राहुल पैडल्स इज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड, देन ही अप्लाइज ब्रेक्स सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ द केसेस। अब ध्यान रखना है, यहां पे जो भी क्वेश्चन आया, पहले तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। सो नोट कर लिया होगा, मैं इसको रब कर रहा हूं और फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करते हैं। बेसिक फॉर्मूला मैं बस ये साइड में लिख देता हूं, ठीक है, तो आई एम जस्ट गोना रब इट। तो मैंने अभी रब कर दिया है, मैं फॉर्मूला पहले यहां लिख देता हूं और फिर क्वेश्चन करते हैं। तो फॉर्मूला आया आपके हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, सिंपली हमेशा क्या देखेंगे, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी या v माइनस यू अपॉन टी, इसको बोलते इक्वेशन वन, वेयर u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी एंड t टाइम इंटरवल, t टाइम इंटरवल। और यूनिट हमेशा ध्यान रखना है कितनी आनी चाहिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, SI यूनिट के अंदर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अच्छा एक दो कॉन्सेप्ट और यहीं पे सीख लें। अगर क्वेश्चन में कभी भी आ जाए इफ द ऑब्जेक्ट इज स्टार्ट्स फ्रॉम इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, यानी कि कहीं पे भी आ जाए स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ये कुछ कॉन्सेप्ट लिख देता हूं जो आपके बिल्डअप करेंगे आपके जिसकी कॉन्सेप्ट को, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जिससे आपको आसानी होगी। तो जब भी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब स्टार्ट अगर रेस्ट से कर रहा है तो वो शुरू में मूव कर रहा था क्या, नहीं कर रहा था। अगर शुरू में मूव नहीं कर रहा था, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी लेनी है हमेशा, तो कहीं पे भी ये वर्ड आ जाए स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यू इज इक्वल टू जीरो। इसी तरह से ये आ जाए ब्रेक्स अप्लाइड, ब्रेक्स अप्लाइड, ठीक, एंड कम्स टू रेस्ट, या कम्स टू रेस्ट, सिंपली ये भी आ जाए, केवल कम्स टू रेस्ट आ जाए, ब्रेक्स अप्लाइड एंड कम्स टू रेस्ट, इसका मतलब ये हो गया कि कुछ देर बाद स्टार्ट हुआ किसी भी वेलोसिटी से और फाइनली कहीं पे ब्रेक लगा दिए, ब्रेक लगाने के बाद वो फाइनली रुक गया। कम्स टू रेस्ट का मतलब फाइनली वो क्या हो गया, रुक गया। तो फाइनली का मतलब वी, फाइनल वेलोसिटी का मतलब वी क्या होता है, जीरो। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी कम्स टू रेस्ट का मतलब है रेस्ट पर आ जाए तो फाइनल वेलोसिटी कितनी लेनी है, जीरो। गॉट इट? ठीक, इसी तरह से अगर इनिशियली मान लीजिए ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो 20 मीटर पर सेकेंड से,
यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट की मैंने मान ली है, u मान ली है मैंने 20 मीटर पर सेकेंड, और फाइनली ब्रेक्स जब भी लगाएंगे तो कंपल्सरी मान के चलना ब्रेक लगाने पर क्या होता है, स्पीड में चेंज, कैसा चेंज होता है, इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है, तो ऑब्वियस सी बात है ब्रेक लगाएंगे तो स्पीड डिक्रीज होगी, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी है वो कम हो गई, तो 20 मीटर से लेट्स सपोज 15 हो गई, तो अब ध्यान रखना एक्सेलरेशन का आंसर v माइनस यू जो आएगा इसमें हमेशा कितना आएगा 15 माइनस 20 अपॉन t, जो भी टाइम इंटरवल दे रखो ये माइनस में आएगा, 15 माइनस 20 माइनस का 20 है तो इसका मतलब माइनस 5 अपॉन t, तो फाइनल आंसर क्या बना, नेगेटिव। आपको क्या ध्यान रखना है इसका मतलब, ये तो एक मैंने एग्जांपल से समझाया, कॉन्सेप्ट क्या बना, अगर ब्रेक लगाएंगे तो व्हेनेवर ब्रेक्स विल बी अप्लाइड फाइनल वेलोसिटी विल डिक्रीज, सो एक्सेलरेशन विल बिकम नेगेटिव। तो फिर से मैं लिख रहा हूं, ब्रेक्स अप्लाइड एंड स्पीड डिक्रीजेस, तो कौन सी स्पीड या वेलोसिटी, कौन सी स्पीड या वेलोसिटी डिक्रीजेस, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी शुड बी लेस देन टू इनिशियल वेलोसिटी, इसका मतलब हुआ v शुड बी लेस देन टू यू, क्लियर। इसका मतलब हुआ इसको अगर मैं इधर ट्रांसफर कर दूं तो v माइनस यू शुड बी लेस देन टू जीरो, और लेस देन टू जीरो का मतलब कैसे नंबर होते हैं, नेगेटिव, यानी कि v माइनस यू आंसर क्या आया, नेगेटिव, तो हम बोलेंगे इसको देन a विल बी इज इक्वल्स टू नेगेटिव। तो हमने देखा एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड कम हो जाए, कम कब हो सकती है, जब ब्रेक्स अप्लाई कर दे। ठीक इसी तरह से बोला गया, मान लीजिए कि इफ द ड्राइवर एक्सेलरेट्स और अप्लाइड द ब्रेक्स हो ही गया, ही गिव द एक्सेलरेशन, मतलब ऐसा बोल दिया गया कि जो उसकी रेस होती है रेस को वो क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो उसपे वर्ड ये आएगा कि इफ द ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट्स एट द रेट ऑफ, तो अगर बोल दिया जाए कि रेस इंक्रीज हो रही है, रेस इंक्रीजेस, दैट मींस वी शुड बी ग्रेटर देन टू यू, फाइनल वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन टू यू, यानी कि वी माइनस यू कैसा हो जाएगा, वी माइनस यू शुड बी जीरो, इसका मतलब ग्रेटर देन जीरो का मतलब कैसे नंबर्स, पॉजिटिव, इसका मतलब हमने देखा, और v माइनस यू टाइम तो हमेशा बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव रहता ही है, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, टाइम हमेशा बढ़ता ही जाएगा, इसलिए t2 माइनस t1 या फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम ऑलवेज आंसर पॉजिटिव, तो a का आंसर पॉजिटिव नेगेटिव आना किस पर डिपेंड कर रहा है, v माइनस यू पर, तो v माइनस यू अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ तो v माइनस यू पॉजिटिव का मतलब a पॉजिटिव, हमने देखा कि a पॉजिटिव भी हो सकता है, a नेगेटिव भी हो सकता है, कब, जब द ड्राइवर एक्सेलरेट्स द बस और जो भी उसका व्हीकल है, सो एक्सेलरेटिंग सिचुएशन, तो कहीं पे भी एक्सेलरेशन आए कि एक्सेलरेटिंग, तो उसको बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव एक्सेलरेशन लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट सिचुएशन अगर मैं बोल दूं, अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड में या वेलोसिटी, स्पीड नहीं वेलोसिटी में चेंज ही ना है, इफ वेलोसिटी of object does not change, अगर change ही नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या होगा, v is equals to u होगा, और v is equals to u होगा तो v minus q, u क्या हो जाएगा, zero हो जाएगा, और v minus u zero हो जाएगा, तो a is equals to v minus u upon t में zero upon t acceleration zero आ गया, इसका मतलब जब भी v is equals to u हो इसका मतलब हुआ वेलोसिटी में कोई चेंज ही ना हो तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, इसका मतलब ए जीरो को हम क्या बोलते हैं, नो एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस्ड इन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन होने के लिए कंपलसरी कंडीशन क्या बन गई, वी कैन नॉट बी इक्वल्स टू यू, तो ये मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिख देता हूं, so that is for any accelerated motion v cannot be equals to u, v or u velocity and initial and final velocity kabhi bhi barabar na ho,
कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब जब भी ऑब्जेक्ट में किसी भी तरह से, चाहे वो मैं वेलोसिटी बार बार क्यों बोल रहा हूँ, स्पेशली यहाँ स्पीड वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, क्यों, सीधी लाइन में चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और सीधी लाइन में 10 मीटर पर सेकंड से चला जा रहा है, इसी को बोल सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन किसी ने कहा ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और इसने टर्न लेकर के भी 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो नहीं, स्पीड सेम है, डायरेक्शन चेंज हो गई तो हम बोलेंगे वेलोसिटी चेंज हो गई है। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी भले ही 10 मीटर पर सेकंड हो और स्पीड वाइज फाइनल स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी आप डायरेक्ट 10 मीटर पर सेकंड नहीं बोलोगे, क्योंकि जब वेलोसिटी बोलेंगे तो उसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड करना जरूरी है। तो आप वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या बोलोगे, 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स एक्स डायरेक्शन, इसको बोलोगे फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड जेड डायरेक्शन। अब ये आपके लेवल पे अभी नहीं है, ये इसको बोला जाएगा मोशन इन 2D, वो आप 11th ग्रेड में पढ़ोगे। तो आपके भी हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन को डिस्कस करें, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज होना जरूरी है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने के लिए। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं तो एक्सेलरेशन भी नहीं, वेलोसिटी में चेंज होगा तो ही होगा एक्सेलरेशन। क्लियर है इतनी बात? अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो और इससे पहले इस सारे कॉन्सेप्ट को आप फोटो वोटो खींच लो या नोट कर लो, जैसे भी है, ठीक है। तो मैं रब कर दूं अब इसको, आपने फोटो खींच लिया होगा या फिर नोट कर लिया होगा, या पॉज करके कर लेना यार, है ना। तो इसको रब कर देते हैं और क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजिशन। तो पहली लाइन पढ़ते ही मुझे समझ में आ गया कि गिवन में क्या है, सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन में जो जो गिवन है वो लिखो, स्टार्टिंग फ्रॉम इनी, स्टार्टिंग फ्रॉम क्या बोला था, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजिशन। स्टेशनरी का मतलब क्या हो गया आपके पास, यू जीरो, स्टेशनरी पोजिशन यू जीरो। देन बोल रखा है राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, तो यू जीरो, और फाइनली उसने कितनी अटेन कर ली, 6 मीटर पर सेकेंड, और कितने टाइम के अंदर कर ली, 30 सेकेंड्स के अंदर, इन 30 सेकेंड्स। देन ही अप्लाइज ब्रेक, तो यानी कि इनिशियली इसका मतलब, देन ही अप्लाइज का मतलब हो गया ये दो टुकड़ों में, टू पार्ट में ट्रेवल करवा रहा है। इनिशियली जीरो थी इनिशियल वेलोसिटी, कुछ देर बाद 30 सेकेंड्स के बाद ऑब्जेक्ट अपनी ए पोजीशन से कहां पे आ गया, बी पोजीशन पे आ गया, जहां पे उसकी वेलोसिटी हो गई v इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। फिर उसने बोला है देन ही अप्लाइज ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 सेकेंड इन नेक्स्ट 5 सेकेंड। तो ए से बी तक तो उसने 30 सेकेंड लिए, और उसके अगले 5 सेकेंड्स के अंदर उसने ब्रेक्स लगाए इस तरीके से कि इसकी कुछ और वेलोसिटी, जिसको वी डैश लिख दूं, वो हो चुकी है 4 मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान दीजिए ये टू पार्ट्स के अंदर हो गई, केस वन, तो केस वन मैं कैसे बोलूंगा, केस वन ए से बी, ड्यूरिंग ए टू बी, ड्यूरिंग ए टू बी। अब क्योंकि टू केसेस है तो इसको यू वन बी वन इस तरह से करके किया करें तो ज्यादा आसानी होगी हमेशा। तो हम केस वन के रेस्पेक्ट में इसको यू वन बोल देंगे और इसको वी वन बोल देंगे। तो यू वन है जीरो, वी वन है 6 मीटर पर सेकेंड, सॉरी यहां पे लगाना था 6 मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम इंटरवल टी दे रखा है 30 सेकेंड्स। सो आपको क्या बोल रखा है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ द केसेस। तो हमें इसका एक्सेलरेशन, तो केस वन ले रहे हैं तो एक्सेलरेशन वन इज इक्वल टू वी वन माइनस U1 upon T1, इसको T1 बोल देता हूं, V1 कितना है 6, U1 कितना है 0, T1 कितना है 30, 6 minus 0 upon 30, 6 upon 30, 1 upon 5, तो 1 upon 5 हो गया या 0.2 meter per second square। तो A का आंसर आया है सब पॉजिटिव, 0.2 meter per second square। तो ध्यान दीजिए जब भी स्पीड वेलोसिटी इंक्रीज होगी आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। नेक्स्ट केस करें, केस टू, ड्यूरिंग बी टू सी, इसको सी बोल देता हूं, केस टू ड्यूरिंग
बी टू सी। तो बी टू सी के अंदर वापस से डायग्राम बनाते हैं, छोटा सा रफ डायग्राम, जो क्वेश्चन बोले अगर उसका डायग्राम आपके माइंड में बन सकता हो सो ड्रॉ द डायग्राम ऑन द पेपर, देन द सिचुएशन विल बी मच इजियर फॉर यू। सो लेट्स सपोज दिस इज, अब ये कहां पर है बी टू सी में, तो बी शुड बी कॉल्ड इनिशियल पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू मोशन फ्रॉम बी टू सी। तो अगर ये बी इसकी इनिशियल पोजिशन है तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू टू कहलाएगी, और यू टू ध्यान से देखें तो यही है यू टू, ये यू टू है और यही केस वन की बी वन है। तो हम यहां पे लिखते हैं यू टू इज इक्वल टू क्या हो गई, केस वन की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड, और फाइनली इसकी वेलोसिटी वी टू कितनी हो चुकी है 4 मीटर पर सेकेंड, जिसको मैंने वी डैश बोला हुआ था। तो वी टू इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। टाइम इंटरवल बी टू सी बोल दिया गया है 5 सेकेंड लगे, नेक्स्ट 5 सेकेंड इसका मतलब बी से सी में 5 सेकेंड लगे, तो टाइम टी टू इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन ए टू इज इक्वल टू वी टू माइनस यू टू अपॉन टी टू, केस टू के लिए टू 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 लगा दिया सब जगह, वी टू हो गई 4 इनिशियली, यू टू हो गई वी वन इज इक्वल टू 6, तो 6 और अपॉन टाइम 5, तो कितना हो गया 4 - 6 - 2/5 - 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डोंट फॉरगेट टू अप्लाई यूनिट एंड प्रॉपर यूनिट -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट्स हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन, आई होप यू गॉट इट, समझ में आ गया सभी को।